आज की वीडियो में हम एक बहुत मजेदार स्नैक बनाने जा रहे हैं। तो आज की रेसिपी है पोटैटो नगेट्स रेसिपी। ये आलू के नगेट्स बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। ये किसी पार्टी में या घर आए मेहमानों को सर्व करने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए बेल आइकन को भी जरूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप जरूर देख पाएं। पोटैटो नगेट्स बनाने के लिए हमने 3 आलूओं को उबालकर मैश कर लिया है। आप चाहें तो उबालकर आलूओं को कद्दूकस भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमने ली है कद्दूकस की हुई 50 ग्राम मोजरेला चीज, 1/4 कप कॉर्नफ्लोर, 1 कप ब्रेड क्रम्स, 1/2 चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट, 1/2 चम्मच पीसी हुई काली मिर्ची, 1/2 चम्मच ऑरिगेनो, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच नमक, 2 चम्मच बारीक काटा हुआ ताजा धनिया, 1/4 कप पानी और फ्राई करने के लिए रिफाइंड ऑयल। पोटैटो नगेट्स रेसिपी के लिए ये सारी सामग्री इकट्ठी कर लें। बताई गई सामग्री से तकरीबन 20 नगेट्स बनकर तैयार होंगे। अगर आप हमारी इस्तेमाल की गई चीजें देखना या खरीदना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें। पोटैटो नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में 3 उबालकर मैश किए हुए आलू डालें। इसमें कद्दूकस की हुई 50 ग्राम मोजरेला चीज डालें। आधा चम्मच लहसुन अदरक की पेस्ट, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच ऑरिगेनो, 1/4 चम्मच पीसी हुई काली मिर्ची, 1/4 चम्मच नमक, 2 चम्मच बारीक काटा हुआ धनिया डालकर अच्छे से मिला लें। इसे बहुत अच्छे से गूंध लें ताकि आलूओं के जरा भी लम्स ना रहें। अब हम इसमें 1/4 कप ब्रेड क्रम्स डालकर मिला देंगे। ब्रेड क्रम्स को हमने ग्राइंडर में ब्रेड स्लाइसेस को ग्राइंड करके घर पर ही तैयार कर लिया है। इस मिक्सचर को हम गूंदकर आटे की तरह मुलायम कर लेंगे। अब एक दूसरे बाउल में 1/4 कप कॉर्नफ्लोर डालें। इसमें 1/4 चम्मच पीसी हुई काली मिर्ची, 1/4 चम्मच नमक और 1/4 कप पानी डालकर मिला दें और इसकी पेस्ट तैयार कर लें। कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनकर तैयार है। अब नगेट्स तैयार करने के लिए थोड़े से आलू का मिक्सचर हाथ में लें और इनको इस तरह से रोल करके इनको कोई भी शेप दे लें। पहले हम इन्हें कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर में डिप कर लेंगे। अब इनके ब्रेड क्रम्स में इस तरह से कोटिंग कर लेंगे। यहां पर कोटिंग करने के लिए हमें तकरीबन 3/4 कप ब्रेड क्रम्स की जरूरत पड़ेगी। एक्स्ट्रा ब्रेड क्रम्स को इस तरह से झाड़ लें ताकि फ्राई करते समय ये नगेट से अलग ना हो। पोटैटो नगेट्स फ्राई करने के लिए तैयार हैं।
इसी तरह हमने बाकी के मटेरियल के भी नगेट्स तैयार कर लिए हैं। पोटैटो नगेट्स को डीप फ्राई करने के लिए एक गरम कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल डालें। जब रिफाइंड ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें तैयार किए हुए नगेट्स डालकर फ्राई कर लें। फ्राई करते समय इस बात का ध्यान रखें कि नगेट्स तेज आंच पर ही फ्राई हों। तेज आंच पर इनकी आउटर लेयर जल्दी से सख्त हो जाएगी और ये फ्राई होते वक्त फटेंगे नहीं। अगर आप इनको लो टेम्परेचर पर फ्राई करेंगे तो ये फटकर बिखर सकते हैं। इनको उलट पलट कर बारी बारी हर तरफ से फ्राई कर लें। जब इनका रंग गोल्डन ब्राउन नजर आने लगे तब ये बनकर तैयार हैं। इनका मैक्सिमम तेल इस तरह से ड्रेन करके इनको टिश्यू पेपर पर निकाल लें। पोटैटो नगेट्स बाहर से क्रिस्पी और अंदर से एकदम सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। गर्मा गर्म और स्वादिष्ट पोटैटो नगेट्स को टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। पोटैटो नगेट्स लगभग हर किसी को बहुत पसंद आते हैं, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो नीचे दिए लाइक बटन को जरूर दबाएं और रोज एक नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और मेरी वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।